रितेश देशमुख और उनके काफी कलाकार, चारों कलाकार इधर से आते हैं। और आप ये देख सकते हैं लोकेशन। हेलो गाइस, मैं आज आया हूँ उदयपुर शहर में बड़ी लेक के इधर। और सन 2007 में इधर मूवी की शूटिंग हुई थी, धमाल मूवी की। कैलाश दा ढाबा इधर बनाया गया था। और आप ये देख सकते हैं इसका नज़ारा। इस जगह पे कैलाश दा ढाबा बनाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट में आप देख सकते हैं, ये पीछे का पहाड़ आप देख सकते हैं। इस जगह पे संजय दत्त और उनके चार कलाकार इधर आए थे। वो गाड़ी कुछ कुछ नहीं, इधर से ट्रक गुजरा था, आप ये देख सकते हैं। जूम करके बताता हूँ, इधर बीच में बनाया गया था कैलाश दा ढाबा। और आगे से मैं और बताता हूँ आपको, आगे चलते हैं। फिल्म में भी एक गाड़ी आती है, ट्रक ही आती है ना, इधर भी एक ट्रक ही आ रही है। इधर काफी ट्रक चलती है। मैं आगे जाके आपको पूरी लोकेशन बता दूं। पीछे पहाड़ देख सकते हैं आप, पीछे फिल्म में एक शूट इधर से लिया गया है, बना हुआ था कैलाश का ढाबा। इधर ही बना हुआ था। आगे ये देख सकते हैं, कैलाश दा ढाबा बना हुआ इधर ही था। वो पहाड़ देख सकते हैं, 1 2 3 स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। वो ट्रक इधर से ही गुजरा था, इधर टेम्पो वगैरह चलते हैं अधिकतम, ट्रक वगैरह। अब अगले शूट पे उधर चलते हैं, जहाँ पे उनको क्या ना, चारों कलाकार को संजय देवगन पिस्तौल से खेल रहे थे, उधर चलते हैं हम और बताएंगे आगे का लोकेशन आपको। प्रिय दर्शकों, यह हमें लोकेशन मिल चुकी है। और रितेश देशमुख और उनके काफी कलाकार, चारों कलाकार इधर से आते हैं। और आप ये देख सकते हैं लोकेशन। ये जो छेद है वो का वो छेद है, स्क्रीन शॉट में आप देख सकते हैं। वो पीछे कौन सा पेड़ है जो हमें दिख नहीं रहा है सही से, नागफनी कुछ बोलते हैं उसको। पीछे देख सकते हैं वो सूखा पेड़ था, अब हरा हो गया बारिश के कारण। एक शूट इधर से किया गया था, ये पहले नहीं था, अब ये एक शूट इधर से था। ये संजय दत्त और उनके चारों कलाकार, इधर उनकी गाड़ी खड़ी थी देख सकते हैं। वो चारों हीरो इधर ही खड़े रहते हैं और इधर ही बंदूक से खेलते हैं। वो पहाड़ नजर आ रहे, धूप के कारण अच्छे से नजर दिखाई नहीं दे रहे। देख सकते हैं आप, ये सीन इधर ही लिया गया। एक सीन इधर से लिया गया है, हृदय देशमुख और संजय दत्त इधर गोली से खेलते हैं। इसमें गोली है एक नहीं है, ये सीन ऊपर से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में मैच कर सकते हैं। और इधर भी लोकेशन एक बार और देख सकते हैं, ये पेड़ ऐसा का ऐसे ही है। इधर देखना एक मिनट, थोड़ा जूम करके ये देखिए, पेड़ वैसा के वैसे ही, वो देखो। अब चलते सज्जनगढ़ दुर्ग और वहाँ की लोकेशन बताते वीडियो में। वो सीन इधर से लिया गया है, वो ट्रक निकल के आता है उधर से। ये पहले सीढ़ियाँ नहीं थी, बगीचा वगैरह कुछ नहीं था, ये देख सकते हैं आप। काफी थक चुके हैं और हमने लिए एनर्जी ड्रिंक रेड बुल, और रेड बुल पियेंगे और इसके बाद हम दूसरी लोकेशन पे जाएंगे। पहले रेड बुल पी लेते हैं। ये लोकेशन भी आप देख सकते हैं।
दूर दूर पानी दिख रहा है। ये और शूटिंग लोकेशन देख सकते हैं। जो मीटिंग वगैरह हुई थी इधर ही हुई थी। इस एंगल पे कैमरा रखा हुआ था, देख सकते हैं। एक सीन इधर से लिया गया, इस सज्जन का फोर्स। ये मेरे को पार करना पड़ेगा। एक सीन इधर से लिया गया था, ये फ्रूट वगैरह दिखाई दे रहा होगा स्क्रीनशॉट में। एक सीन आगे से भी लिया गया है, ये फूल आ रहे हैं इसके कारण दिखाई नहीं देते। धमाल मूवी की जितनी भी लोकेशन थी उतनी आपको बता दी, उदयपुर में कम ही शूट हुआ था। और जितने भी उदयपुर में लोकेशन थी मैंने आपको सब कुछ बता दी है, लोकेशन धमाल मूवी की। और एक जीत फिल्म की शूटिंग, एक गाना बना है उसकी भी मैं लोकेशन आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरी देखना और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। हेलो दोस्तों, बाय बाय। बहुत सारी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, मेरे को पूरा दिन हो गया लोकेशन ढूंढने में। और आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।